मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो पढ़िया यार PU चंडीगढ़ तो मैं लॉ की है BA LLB ऑनर्स तो 2014 मेरी लॉ स्टार्ट हुई सी 2019 खत्म हुई सी 5 साल की लॉ तो ये प्लस टू तो बाद होंगी सीधा लाइक प्लस टू तो बाद सीधा कॉलेज नहीं जाते यूनिवर्सिटी जाते हो सीधा तो उत्थे कंबाइंड डिग्री करते हो एक थोड़ा मतलब भी ग्रेजुएशन तो दूजे थोड़ा मतलब भी जो अगे फील्ड चूज करना तुम तो BA LLB मतलब BA के भी सबजैक्ट से मैनू तो LLB लॉ के भी सबजैक्ट से पंजाब यूनिवर्सिटी कही जी जगह बहुत सोहनी जगह यार लाइक बहुत वधिया जगह तो उत्थे दी लाइफ इन्नी सोहनी सी ना जिवें उत्थे ना पढ़ते हुए इन्ना फील नहीं हुंदा हैगा भी इन्नी वधिया लाइफ सीगी हुंदा सीगा मतलब भी सीगा भी वधिया लाइफ आ बट उत्थों निकलण तों बाद जिन्नी याद आउंदी है ना यूनिवर्सिटी दी कदे कदे आउंदी आ इन्नी नहीं आउंदी बट वधिया लाइफ सीगी लाइक 5 साल थोड़े नहीं हुंदे हैगे अपनी लाइफ ते तो बच्चा प्लस टू तो बाद जब थोड़ा जिहा सियाणा होण लगदा उह तों बाद 5 साल एक जगह च बिताने वधिया सीगे तां PU च एडमिशन वास्ते की करना पैंदा लॉ दा मैं तुहानूं दसदा तो हुण नहीं मैनूं पता भी की पता चेंज हो गया होवे क्योंकि निकले नूं काफ़ी साल हो गए तो साढ़े टाइम की हुंदा सीगा मैनूं लगदा पैटर्न सेम ही होना ठीक है 50% थोड़े प्लस टू दे मार्क्स लाइक जे थोड़े 100% आए ने तो 50 नंबर उधरों गिने जाण के तो एक एंट्रेंस टैसट हुंदा ठीक है 50% उहदे काउंट हुंदे ने लाइक थोड़े जिन्ने भी प्लस टू च मार्क्स आए हैं वह 50% कढ़णगे तो जिन्ने थोड़े एंट्रेंस च मार्क्स आए हैं वह 50% कढ़णगे दोनों नू प्लस करनगे फिर थोड़ा स्कोर आऊगा स्कोर के बेसिस से थोड़ी एक लिस्ट बनूगी तो लिस्ट के बेसिस से जिन्नियां सीटा होणगियां उहदी थोड़ी एडमिशन होगी लाइक मे जिवें साढ़े टाइम तो 120 सीटा BA LLB च सीगियां 120 सीटा BCOM LLB च सीगियां तो 240 सीटा सीगियां 1 साल दे विच तो इहदे विचों अद्धियां रिजर्वड हुंदियां ने तो अद्धियां जनरल दियां हुंदियां ने मतलब जे 120 सीटा सीगियां तो 60 जनरल दियां सीगियां 60 रिजर्वड सीगियां रिजर्वड च मतलब काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज आ जांदियां ने डिफेंस आ गया स्पोर्ट्स आ गया होर दूजी कैटेगरीज आ जांदियां ने तो हर साल हज़ारां च बच्चा पेपर दिंदा ठीक है मतलब भी 5-10 हज़ार बच्चा पेपर दिंदा एंट्रेंस PU दा तो उस तुसी ला लो 240 सीटा सीगियां साढ़े टाइम ते हुण शायद वध गईयां होणियां डबल भी हो सकदियां ने तो जो भी आ तो मेरी रैंक बनी सीगी 189 लाइक 240 सीटा सीगियां मेरी 189 रैंक बनी सीगी तो मैनूं सीगा भी मेरी हो जूगी ठीक है तो मेरे कोल कोई सैकंड ऑप्शन नहीं सीगा मेरे प्लस टू च मार्क्स आए थे 94% तो एंट्रेंस मेरे थोड़े घट सके एंट्रेंस का पता नहीं सीगा की पढ़ना की नहीं पढ़ना सिलेबस मैं कोचिंग भी लेते सी बट इन्ना समझ नहीं आया है भी की पढ़ के जाना कुछ होर पढ़िया सीगा कुछ होर आया तो चलो जो भी आ तो एंट्रेंस से थोड़े नंबर घट सके बट प्लस टू च ना मार्क्स ज़्यादा होने करके मेरे को कमर्स स्ट्रीम सीगा तो शिवालिक का पढ़िया हुआ मैं चंडीगढ़ का तो 94% कमर्स आए थे मेरे तो 189 रैंक सी एडमिशन हो गई मैंने कुछ नहीं पता सीगा मैं की करना ठीक है केड़ी लॉ लैनी है BA लैनी है या BCOM लैनी है मैंने आए सीगा जिधर एडमिशन होगी मैं ले लैनी है तो उही सीगा भी बच्चे बुलाई जा रहे थे रैंक वाइज जिवें पहली रैंक वाला दूजी रैंक वाला तीजी रैंक वाला फिर अगे अगे तो जब मेरी कॉल आई BCOM दी सीटा भर गई सी पहले ही BA दी सीगियां वधिया रह गए BA LLB की मैं सौखी हाँ BCOM काफ़ी औखी सी BA नालों ठीक है तो BA च होंदे ने थोड़े सब्जेक्ट होंदे ने हिस्ट्री हो गई पोलीटिकल साइंस हो गया होर जिहड़े मतलब एक मेजर हुंदा मेरे को इंग्लिश मेजर सीगा तो माइनर सब्जेक्ट होंदे ने तो नाल लॉ दे सब्जेक्ट होंदे ने तो लाइफ बहुत सोहनी है यार लाइक स्कूल तो एकदम यूनिवर्सिटी जाना यूनिवर्सिटी जाके इन्नी खुले जी मिल जानी अपने व्हीकल ते जाना होर करना कैंट सी जिंदगी तो पढ़े क्लासा च बहुत घट पढ़िया ठीक है ये भी नहीं है भी आवारा गर्दियां कीतियां ने होर किया बट क्लास पढ़न जी नहीं करता एक रजिस्टर लैके जाता सी 2-3 साल एक रजिस्टर चल पैंदा सीगा पेन भी एको चल पैंदा सीगा क्योंकि किहड़ा लिखना हुंदा सीगा तो यूनिवर्सिटी की लाइफ तो यह पता लगे भी यार सारा कुछ सैल्फ स्टडी है ठीक है पेपरों तो 4-5 दिन पहला पढ़ना तो पढ़ के वधिया नंबर लै लेने मेरे लॉ च पूरे 5 साल की कंबाइंड एक वो बनती है परसेंटेज बनती है तो मेरी 72% से 72% से 5 सालों मिला के ठीक है तो 75% तो डिस्टिंक्शन मिलती है मतलब जिन्हें 75% लै लेना डिग्री से वो आए समझा जाता भी टॉपर तो भी टॉपर आ मतलब 75% वाले सब तो उत्ते होंगे ने तो मेरी 72% से तुम देख लो मतलब भी इन्ना क पढ़ के मतलब ये सैल्फ स्टडी आप कुछ मर्जी कर सकते हैं क्लासा च नहीं भी पढ़ते होर भी नहीं करते है ना तो
आ जाने नंबर, कोई चक्कर नहीं है। जिंदगी सब कुछ आप ही करना पैंदा, आप ही पढ़ना पैंदा, आप ही सब कुछ करना पैंदा। आप नहीं कह सकते भी स्कूल सानू पढ़ाया नहीं गया भी तां नहीं मेरे नंबर आए, होर नहीं आए है। भी जे आप मेहनत करते हैं ना आप नंबर ले जाएंगे, कोई बड़ी गल नहीं। तो सवेरे 9 बजे का लैक्चर हों, मैं कला मतलब भी वह होऊंगा बच्चा जोड़ा लोकल सगा, मतलब भी मोहाली घर से अपना, तो जोड़ा 8 बजे घरों निकल के पहले लैक्चर भी लेट हों। क्यों? क्योंकि मेरे सारे दोस्त होस्टल वाले से, मैं पहला घरों होस्टल जाना, उन्होंने जाके ठालना, तैयार करना, तैयार इन द सेंस मतलब भी मैं बैड पर पैर उन्होंने भी हो जाओ तैयार यार, उठ कड़ो, ये कर लो, वो कर लो, तो धक्के तैयार त्यूर करा के ठाल के उन्होंने लैके जाना 9:30 पहुँचना। तो बहुत घट दिन हो जिदन मैं मतलब भी टाइम पर पहुँचे सके क्लास से, क्योंकि होस्टल जाके उन्होंने टाइम ला देना, सुते पे होंगे सी पहला जा जाके ठालने, किसी के लत्त मार, किसी का कंबल खिंच, किसी का कुछ कर, भी उठो चलो तैयार हो चलीए, तो जाके फिर पहला लैक्चर लाना, फिर दूजा जी किता ला लिया, नहीं जी किता नहीं लाया। उत्थे पार्क जे जिहड़ा डिपार्टमेंट दे बाहर हुंदा पार्क जिहा हुंदा, उत्थे बैठ के चाह पीनी ठंडा दे मौसम च। चाह मैं बहुत घट पींदा सीगा बट चलो सारे पींदे सीगे, ठीक है चाह चू, तो खड़ के गल्लां मारनियां होर करनी है। बहुत वधिया जिंदगी सी यार, लाइक हुण मैं गल्लां कर रहा ना, हुण मैनूं सोच के होर मतलब भी हो रहा, उत्थे मैं वापस चल गया, उस टाइम च वापस चल गया। तो जिहड़े यूनिवर्सिटी च दोस्त बणदे ने ना वो लाइफ लोंग हुंदे ने, मतलब भी स्कूल च ना अपने कोल ऑप्शन नहीं हुंदा, स्कूल च जिहड़े अपने क्लास च बच्चा हैगा वो अपना दोस्त ही बन जाता ऑटोमैटिकली, ठीक है। तो कई हुंदा मतलब भी इन्ना ऑप्शन नहीं हुंदा हैगा भी आप अपने दोस्त चूज़ कर सकी इन्ने ज़्यादा। यूनिवर्सिटी अपने को ऑप्शन हुंदा, थोड़ा नहीं जी करता ना तुसी किसी नाल ना बोलो, तुसी कल्ले बैठे रहो कोई चक्कर नहीं, थोड़ा जिहदे नाल जी करूगा जिहदे नाल बनदी आ उहदे नाल ही तुसी मतलब भी बोलोगे चलोंगे इकट्ठे फिरोंगे। तो आप चूज़ किते हुंदे ने दोस्त यूनिवर्सिटी वाले, तो सारी उम्र रहिंदे ने। तो मैं ना पढ़ाई नूं इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मैं एक्सपोजर नूं इंपॉर्टेंट मानता। भी जब थोड़ा शहर चेंज हुंदा ना, तुसी थोड़े बड़े शहर च जाके देखते हो भी दुनिया कित्थे वसदी है, की कुछ हैगा दुनिया च, की कुछ ऑप्शनस है कि नहीं, की कुछ आपां बिजनेस कर सकते होर कर सकते हैं, तो दिमाग बहुत खुलदा। तो जिन्ना दिमाग खुलूगा उन्ना बंदा ज़्यादा तरक्की करता जिंदगी च। ता ही मतलब भी एजुकेशन इन द सेंस भी थोड़ा दिमाग खुलना इंपॉर्टेंट, एजुकेशन दिमाग खुलने का काम करती है। वैसे पढ़ाई मेरे हिसाब से इन्नी काम नहीं आती हैगी जिंदगी। तो यूनिवर्सिटी ने मेरी सोच बहुत चेंज की है, उत्थे जाके काफ़ी लोगों मतलब भी वधिया दोस्त बने, वधिया घूमे, वधिया घर आते सारे, वधिया सोच बनी भी हाँ ये भी जिंदगी किया जा सकता, ये भी किया जा सकता, दुनिया एड्डी बड़ी आ, लोग इन्ना कमा रहे ने, होर कर रहे ने, वधिया सीगा। तो यूनिवर्सिटी लाइफ 5 साल बहुत ऐश की है। तो यूनिवर्सिटी ना आए सीगा यार भी जल्दी पढ़ाई मुके बाहर निकलीए कुछ करिए, हुण आए हुंदा यार भी वो 5 साल बहुत छेती मुक गए, भी असं बेवकूफ सीगे जिहड़े सोचते सीगे यार भी जल्दी 5 साल मुकण, क्योंकि 5 साल बहुत लंबे हुंदे ने। तो इक्को जगह च जा जाके ना कई बार बंदा अक भी जांदा, ठीक है, वो टाइम तो नहीं रियलाइज़ हुंदा भी यार ये चीज़ की इंपॉर्टेंस की है, भी अगे जाके मिस करांगे, उन्हों पूरा इंजॉय नहीं करता बंदा। 3-4 साल चौथे साल से जाके बंदा ये कहन लग जांदा यार बस यार बहुत हो गया, छेती डिग्री मुके अगे चलीए जिंदगी। बट 5 सालों तो बाद पता लगता भी वो जिंदगी का बेस्ट टाइम सीगा। तो यकीन नहीं हुंदा भी 2014 च एडमिशन हुई सी, 2024 आने वाला, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे एडमिशन हुई ने, तो वह ऐं लगता जिवें कल दी गल होवे। मैं बुलट ते जांदा हुंदा सीगा पहला, मेरे को मतलब बुलट सीगा, तो उस तो बाद मैनू मतलब भी 3 साल च जाके कार दवाती सीगी घरदिआं ने, तो काफ़ी औखा हुंदा सी बुलट ते, ठीक है ना। मैनू ये भी याद है जब पेपर होने सीगे ना, जब पेपर होंदे सीगे ठंडा दे पेपर होंदे सीगे, मैं ग्लव्स वगैरह पा के जांदा सीगा, तो हाथ पूरे सुन्न हो जांदे सीगे। उत्थे जाके पहलां तां होस्टल च हीटर लग्गिया हुंदा सीगा दोस्तां दा, उत्थे जाके हाथ सेकणे थोड़े गर्म करने, फिर पेपर च जाके 15-20 मिनट तां लिखिया नहीं जांदा सीगा कुछ, क्योंकि हाथ इन्ने ठंडे होए हुंदे सीगे, कुछ लिखिया नहीं जांदा सीगा, सुन्न होए हुंदे सीगे। तां गड्डी जरूरी सीगी, उह मींह कणी च औखा हुंदा सीगा, होर औखा हुंदा सीगा। मतलब जे मैं यूनिवर्सिटी दे किस्से सुणाउण लग जांदा, इन्ने किस्से ने ना, लाइफ बहुत घेंट आ। तो जिहड़े कहिंदे ने भी इलैक्शन बहुत ने, पॉलिटिक्स बहुत आ, होर बहुत आ, देखो बंदे ते डिपेंड करदा, दुनिया भी अपनी बहुत रंगीन आ, ठीक है। तुसी जिहे जिहे सोचण लग जाओगे, जिहे जिहे चीज़ां 'च इंट्रस्ट लैण लग जाओगे, तुसी उधर ही जाई जाओगे, ठीक है। जे थोड़ा पॉलिटिक्स 'च इंट्रस्ट आ, फिर यूनिवर्सिटी 'च बहुत पॉलिटिक्स आ, ठीक है। जे नहीं हैगा कुछ नहीं हैगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं हैगी। जे थोड़ा इंट्रस्ट मतलब भी स्पोर्ट्स 'च, यूनिवर्सिटी 'च बहुत स्पोर्ट्स ने। जे थोड़ा इंट्रस्ट पढ़ाई 'च, यूनिवर्सिटी 'च बहुत पढ़ाई आ।
मतलब बहुत सोहना माहौल आ, बहुत वधिया लाइफ है यूनिवर्सिटी की। तो ये ना मतलब भी काफ़ी लोगों की जिंदगी का एक हाईलाइट आ। ठीक है, हुण वो यूनिवर्सिटी लाइफ इन्नी सोहनी आ भी वह 5 साल जिंदगी एक हाईलाइट ने, वह बंदा हमेशा वधिया तरीके याद करेगा वो दिनों भी वधिया सीगे। तो माहौल बहुत सोहना हुंदा सीगा। ठीक है, दोस्तों नाल बैठना, ग्रुप च बैठना, गल्लां बातां मारनियां, हसना, खेडना, फिर होस्टल जाना, फिर घूमन फिरन जाना, फिर कदे खान जाना, कदे बाहर जाना। तो मैं एक चीज़ बहुत मिस करदा, मैं ना मैनू सोना बहुत पसंद आ। ठीक है, मैं सवेरे 4 बजे का उठा हुंदा सीगा, तो मैं सवेरे जिम जाके फिर यूनिवर्सिटी जाता हुंदा सीगा। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਲੈਕਚਰ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 6 ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ, 4 ਵਿਹਲੇ ਨੇ, 2 ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁਛ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਫ ਘੈਂਟ ਆ, ਨੋ ਰਿਗਰੈਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਲੱਗਣਾ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਸ਼ਿਟ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲੁਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੂਵੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਮਸਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੇ ਵੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਓ ਆ ਡਿਗਰੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਜਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਗੇ ਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੇਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ, 1 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, 2 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 2019 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ 19 ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, 20 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਤਾਂ ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PUCHD.AC.IN, ਸ਼ਾਇਦ ਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ PUCHD ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।